ये डीएनए है। डीएनए की संरचना डबल स्ट्रैंडेड होती है, यानी इसमें दो रज्जुक होते हैं। दोनों रज्जुक एक दूसरे के एंटी पैरेलल यानी प्रतिदिश होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक रज्जुक की पोलैरिटी यानी ध्रुवता 3' टू 5' होती है, तो दूसरे रज्जुक की ध्रुवता 5' टू 3' होगी। ठीक है, एक स्ट्रैंड में की पोलैरिटी 3' टू 5' है, तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' टू 3' होती है। दोनों ही स्ट्रैंड नाइट्रोजन बेस पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनी बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पिरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इसका मतलब एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे की थायमिन से, और एक स्ट्रैंड का गवानिन दूसरे के साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ ये है कि 5' ATGC 2'3' यानी 5' टू 3' जो सीक्वेंस आ रहा है वो ATGC का सीक्वेंस है ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। राइट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 3' टू 5' एंड 5' टू 3' डायरेक्शन, मतलब एक स्ट्रैंड हम सॉल्यूशन में जाएंगे, एक स्ट्रैंड ये हो गया हमारा। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी हम ले रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से 5' टू 3' जो नाइट्रोजन स्पीसीज आ रहे हैं वो ATGC। ये 5' टू 3' की पोलैरिटी या डायरेक्शन में ये नाइट्रोजनस स्पीसीज का सीक्वेंस है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ रहा है वो आएगा फ्रॉम 3' टू 5'। तो 3' टू 5' की पोलैरिटी या डायरेक्शन में हमारा जो सीक्वेंस आएगा वो एडिनिन एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पिरिमिडिन के साथ बंधेगा, तो फिर एडिनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, गवानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गवानिन, फिर थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गवानिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गवानिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन और गवानिन। तो हमारा जो क्वेश्चन हुआ उसके आंसर में 3' टू 5' के डायरेक्शन में जो सीक्वेंस मिला वो मिला TACG। दूसरा 5' टू 3' डायरेक्शन में हमको मिलेगा
प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में कंप्लीमेंट्री स्टैंड पे मिलेगा जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी। तो ये आंसर हुआ, यानी दोनों कंप्लीमेंट दोनों जो स्टैंड है वो एंटी पैरेलल है और एक स्टैंड का प्यूरिन दूसरे स्टैंड के पिरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधेगा, यानी एक स्टैंड का एडेनिन दूसरे स्टैंड के थायमिन से, एक का गवानिन दूसरे के साइटोसिन से, यानी साइटोसिन फिर गवानिन, थायमिन एडेनिन या फिर एडेनिन थायमिन से बनेगा। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन के अगर एक स्टैंड का हमको सीक्वेंस मालूम है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का सीक्वेंस हम दोनों पोलैरिटी पर यानी फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और फ्रॉम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम तक निकाल सकते हैं। इन दैट्स ऑल।